तो अभी मैं बनाने वाली हूँ दलिया चिकन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मेरे इंस्टा चैनल पर है, पर फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज प्याज लिया था, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है खाने के लिए। और उसमें मैं थोड़ा सा घी ले लिया, थोड़ा सा घी ले लिया, जो घी से बनेगा तो उसको उसमें ट्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन 400 ग्राम्स, तो इसमें मैंने लिया है दही एक कटोरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाला है। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है साबुत मसाला, जिसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, भून लिया था। 2 सूखी मिर्च, सूखी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 3 लौंग, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, तो इन तीनों को अच्छे से, और धनिया 1 टीस्पून। तो मैंने इन मसालों को अच्छे से भून लिया था, अभी ठंडा होने के बाद इसको पाउडर कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा तेल घी गर्म हो गया है, तो अभी मैं प्याज को दूंगी घी में। तो तब तक भुना है जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे हम लोग बिरयानी के लिए बनाते हैं ना बीन्स का, तो बीन्स का ही बनाना है। तो यहाँ पे अभी ये जाने वाले हैं जिम, और आज का वर्कआउट मैंने सोच लिया है, जो कि होने वाला है शोल्डर्स। आज है मंडे, संडे है मंडे, रोज खाओ अंडे अंडे। तो मेरा वॉलेट, मोबाइल, मास्क, सैनिटाइजर सब ले लिया है, तो मिलते हैं इनके इनको बाद में। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना। पहले मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं जो मसाला पीसने वाली थी ना, इसमें साबुत मसाला जो मैंने थोड़ा सा भून लिया था, उसमें मैंने बादाम देने के लिए भूल गई थी, तो ये बादाम है ना, और थोड़ा सा लूँगी। तो ये बादाम को मैं ऐड करूँगी इसमें, थोड़ा सा ऐड करिए और थोड़ा सा ऐड करूँगी। आप चाहे तो काजू भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं क्या काजू ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ बादाम ही ऐड करूँगी। मैंने और थोड़ा सा ले लिया है, लगभग मैंने यहाँ पे 10-12 बादाम लिया है, तो उनको भी इसमें डाल दूँगी। ऑलरेडी इसमें है, आप लोग देख सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा टोटल मैंने 10-12 लिया है, मैंने काउंट नहीं किया है, ज़्यादा से बोल रही हूँ। तो अगर आप चिकन ज़्यादा लेते तो इसका भी मसाला थोड़ी डबल कर लीजिए आप। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चिकन लिया है, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर थोड़ा प्याज अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो मैंने पूछा इन लोगों को कि मुगलई चिकन के साथ क्या खाना है। मैंने पूछा क्या नान और पूरी दिया, ऑप्शन दिया। तो इन लोगों ने, बेटे ने भी बोला है नान खाएंगे और हस्बैंड ने भी बोला है नान खाएंगे। बेटी ही तो वैसे भी खा लेती है, उसको चावल ही पसंद है, पर मैं नान, हाँ उसको पसंद है, नहीं पसंद नहीं है, पर रोटी है तो उसको पसंद नहीं है, तो नान खा लेंगे, नान भी खा लेंगे, फिर पूरी होगी तो अच्छे से खा लेंगे, तो उसको भी पसंद है और हमें तो पसंद ही है। हमारा क्या है, हम जो भी देंगे तो हम लोग खा लेते हैं। उसका भी मिक्स करूँगी आटा, वैसे तो मैं ऐसे बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या है। और आप लोग दूसरे खान को कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से लोगों को पता ही होगा, मैं गैस पर ही बनाऊंगी और तवा पर ही बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग कुकर में भी बनाते हैं, कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी लगा के उसके अंदर ऐसे रखते हैं, उल्टा करके इसको पकाते हैं, पर मैं तवा में ही पकाऊंगी, वो टेस्ट भी आपको ऐसा ही आएगा होटल जैसे। मैंने कुकर में ट्राई किया था, पर कुकर में ट्राई करने से क्या होता था, कुकर भी खराब हो जाता है, अंदर से पूरा जल जैसा होता है, और उसको बाद में खींचते हैं ना, तो उसका अंदर का जो मतलब रहता है ना, वो सॉफ्ट पर चला जाता है। और मुझे गैस में डर भी है, मतलब ग्लास का है ना, पहले मैं बना रही थी, बनाया था एक या दो बार, पर इतना मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, और अच्छे से नहीं पकता है कुकर में पकाने से, मेरे हाथ से मतलब, बाकी लोगों को तो आएगा, अगर मुझे ठीक साइड से पता नहीं है इसलिए नहीं पकता है। तो मैं तवा में ही अच्छे से बना रही थी, और एकदम होटल जैसा टेस्ट आता है। वहाँ पर मैं अपना फ्राई हो गया, गैस को बंद कर देती हूँ और निकाल दूँ इसको। अच्छा मैंने खिलाना भी आज लेट हो गया है, मेरा मतलब कल संडे था ना, तो हम लोग देर से सोए थे रात को। हमने कुछ ऐसे एक मूवी देखा, मूवी मतलब पुराना मूवी है, साउथ इंडियन है, हिंदी डब में है, तो हमें बहुत पसंद है। तो मैं कल एक अलू अर्जुन का एक मूवी देखा, तो वो देखते ही में ही 1:30 हो गया, मूवी खत्म होते हैं घर में, और मेरी तो सो गई थी 1:30, सो गई थी, पापा के बोल रही सो गई, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही वो सो गई थी, और मेरा हमारे साथ एक ही सोया था, 1:30 हो गया था खत्म होने के बाद ही, पर हम लोग खत्म होने के बाद भी नहीं सोए थे, इसलिए नहीं सोए थे क्योंकि थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा जल गया है, पर कोई बात नहीं, ये चलेगा, कलर आएगा इसमें से ब्राउन कलर, उसको ठंडा होने देंगे अभी। और हाँ, तो मैं बोली थी फिल्म देखते ही हम लोगों ने लुक सो गए थे, और ये इन्होंने मोबाइल में कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर और कुछ गेम है, नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ आपको कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो वो खेलने में एकदम बिजी हो गया, तो 3:30 हो गया वो खेलने में। मैं 3 बजे 2:30 तक सो गई थी, क्योंकि मैं ऐसे ही रील्स पर वीडियो देख रही थी, यूट्यूब पर देख रही थी, बस ये लेट हुआ। और सुबह उठने के बाद मेरा का एग्जाम था, आज था मैथ्स, और मैथ्स में आज क्योंकि भाई फर्स्ट पेपर में 25 में से 24 मिला है, सेकंड पेपर में 25 में से 16 मिला है, कोई बात नहीं, तो दोनों को 50 है टोटल मार्क्स, 50 में शायद 40 मिला है। तो उसी घी में, जिस घी में हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी घी में मैं अभी इस मैरिनेट चिकन को डालूंगी, जो मैंने
आधा अब रखिए आधा घंटा या फिर 15 मिनट मैगनेट करके रखिए उसके बाद, मेरा कम से कम 15 या 20 मिनट हो गया, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है तो आज लेट हो गई तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 15 मिनट जरूर रखिए। तो इसको डालो के नाली अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा नमक नहीं डाला, ऐसे ही मैंने कर लिया। वैसे ही वो मछली लेके आने वाले थे कल, किसी कारण से नहीं जा पाए, किस कारण से नहीं जा पाए, हाँ कल थोड़ा सा घर में काम था तो उसकी वजह से, मतलब साफ सफाई था, संडे तो काम साफ सफाई होता है तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। और मंडे बैंगलोर में फिश नहीं मिलता है ज़्यादातर एरिया में, मुझे तो पता नहीं था, मॉल में साइड से मिल जाएगा पर हम लोग मॉल से नहीं लेते, तो फिश स्टॉल है ना उसमें से लेते हैं, पर मंडे नहीं मिलता है इसके कारण से, आज मंडे है तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी वो नहीं गए थे। तो यहाँ पर ये सिम में रख दिया इसके कारण से, तो ये कलर ऐसा है, बाद में कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ इसको आप हाथ से भी मतलब तोड़ ले सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी ग्राइंड करके पाउडर कर सकते हैं, पर मैं हाथ से ही तोड़ लूँगी। और जब तक ये पकता है, मैं जो साबुत मसाला है इसको मैं पीस लूँगी अभी। इसको मैं अभी 5 से 10 मिनट के लिए सिम में ही ढक के पका लूँगी, तब तक ये चिकन से कच्चा पत्ता स्मेल चला जाएगा और हल्का हल्का कुक भी हो जाएगा, ढक लेती हूँ हो जाएगा। गैस को मैंने सिम में रख दिया है, देख सकते हैं, तब तक मैं इसको पीस लेती हूँ। प्याज को जो मैंने फ्राई कर लिया था ना, इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं, पर इसे मैं अभी फ्रीजर में रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रीजर में रखने से ये क्या हो जाता है, मुरमुरा सा हो जाता है, तो अच्छे से मतलब तोड़ने में आसानी होता है, पाउडर होता है हाथ से। तो मैंने फ्रीजर में रख दिया है और मैं अभी पीस लेती हूँ मसाला। तो मैंने यहाँ पे मसाला को पीस लिया है, एकदम पाउडर जैसा बन गया है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से दिखा देती हूँ, एकदम पाउडर बन गया है, देख सकते हैं। तो ये मसाला मैं पूरा डालूंगी। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो काली मिर्च को थोड़ा और डाल सकते हैं, या फिर जो सूखी मिर्च डाला था हमने लाल, तो उसको भी आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, पर मेरे घर में तो बच्चे आपको पता ही है, इसके वजह से मैंने 2 और काली मिर्च में मैंने 1/2 टीस्पून ही डाला था। और तब तक मैं आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि आटा को गूंथ के थोड़ी देर रखना है हमें, थोड़ा सा बटन है, ज़्यादा बटन नहीं है, धो लूँगी। और आज मेरा कुछ भी काम नहीं है, बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों को मतलब आया तो खुद नहा लेगा, सिर्फ नहाया का नहलाना पड़ेगा अभी। और क्या कहूँ, हाँ घर झाड़ू पोछना हो गया, मैंने खुद नहा लिया है क्योंकि मैं जल्दी उठते ही नहा ली थी, सोच रही थी बेटी को भी तभी नहा लूँगी, पर अब वो सो रही थी, मैंने सोचा ठीक है सो ले, ये तीनों सो रहे थे, मैंने सोचा मैं बोल रही हूँ बराबर से, मैंने पहले उठते ही घर झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद मैंने नहा लिया। पता नहीं कहा धोने के लिए है नहीं है, नहीं मंडे थोड़ा पानी कम है, ट्यूजडे को हमारे यहाँ पे ट्यूजडे और संडे पानी आते हैं, तो इसके कारण से मैं ट्यूजडे ज़्यादातर कपड़ा धो लेती हूँ, फिर कभी कभी ट्यूजडे भी धो लेते पानी है, तो डिपेंड करता है पानी के ऊपर। तो कल धोलूँगी, मशीन लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा कपड़ा है, जींस पैंट है, बेचिन है, छोटा छोटा मोटा कपड़ा सभी है। और क्या था, हाँ मैंने आज बिस्तर नहीं अभी तक मतलब जब से सो के उठे ना, सब लोग लेट हो गए ना सो के, ये लोग उठे ना हेड लेट से उठे, आया रुक गया था थोड़ी देर पहले, मैं उठने के बाद आया रुका, फिर पापा और बेटी सो रहे थे, तो ये दोनों देर से उठे थे, इसकी वजह से मैंने बिस्तर को भी नहीं ठीक किया है, तो अभी जाऊँगी बिस्तर को ठीक करूँगी, पता रहेगा किस में रख लूँगी, बस नहीं जाऊँगी देंगे, तब तक मैं गूंथ लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, तो अभी मैं ऐड करूँगी एकदम कम, देख सकते हैं आप लोग 3/4 स्पून या फिर 1/2 टीस्पून ले लीजिए, 1/2 टीस्पून से भी कम बेकिंग सोडा लिया है मैंने यहाँ पे, इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून दही, दही से यह सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, तो इसको मैं अभी पहले अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सबको, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी, नॉर्मल पानी ही यूज़ करूँगी, और पानी डाल के इसको आटा गूंदने के जैसा गूंदने के पहले इसको अच्छे से इससे ही अच्छे से गूंद लेंगे, ताकि दही, तेल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद एकदम हल्का हल्का पानी डाल के इसको जैसे हम लोग रोटी के लिए गूंदते हैं ऐसे ही गूंद लेंगे, और गूंदने के बाद आपको इसको कम से कम आधा घंटा के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बनाएंगे तो अच्छे से ये फूलेगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए ऐसे रेस्ट करने दूंगी, उसके बाद इसको बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम हल्का हल्का पानी डाल के मिक्स करेंगे, तब तक ये हमारा दही ने पानी छोड़ दिया है अच्छे से, तो इसमें मैं अभी पिसा हुआ मसाला डाल दूंगी, ये मसाला था पूरा डाल दूंगी, तो मैंने अच्छे
से मसालों को एक बार मिक्स कर लिया है ऐसे, थोड़ा थोड़ा चिकन भी पक गया है, देख सकते हैं जो प्याज था ना उसमें हाथ से ऐसे तोड़ के इसको डाल देंगे, जैसे तोड़ लेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे प्याज को डाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं, उसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको अभी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए दम में ही सिम में ही पका लेंगे। हाँ, नमक डालना भूल गए थे तो नमक ऐड कर देंगे अभी। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये, और बहुत ही यम्मी बनता है, एकदम आसान है। तो मैंने इसे नमक ऐड कर दिया है, अब इसको ढक के सिम में ही एक बार हिला लूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा कुक हो गया है, तो इसलिए मैं इसको सिम में 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आप 20 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 25 मिनट के लिए पकाइए, पर 20 में एक बार चेक कर लीजिए। पके जब तक होता है तब तक मैं इसको भून लेती हूँ, जो मैंने अभी सिर्फ ये डाला था, अभी पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे ठंडा पानी ही लिया है नॉर्मल, कोई कोई लोग गर्म पानी से भी होते हैं, पर मैं रोटी हो, पूरी हो या फिर नान हो, कुछ भी हो, मैं ठंडा पानी ही ले सकती हूँ। टेबल पे गुन के आपको मिलती है। तो यहाँ पे मेरा आटा गुन के रेडी है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट बना है। इसको मैं थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे भी सिलेक्ट करके रखूँगी, तो यहाँ पर हमारा मुगलई चिकन बनके रेडी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी देर रख के ही आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट रख के ही बंद कर दीजिए, मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और रखा, बस रेडी है, अभी नान बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नान बनाने के लिए तवा को गर्म होने के लिए रख दिया, तब तक मैं नान को बेल लूँगी। तो फिलहाल तो मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक ये जिम से आए नहीं है, इनको खिलाने के बाद ही हम लोग खाते हैं। ओवन से भी बेल लेंगे इसे, ओवल से भी बेल लिया है। एक साइड में मैं थोड़ा सा पानी लगा लूंगी और इसके ऊपर ऑनियन सीड्स भी लगा सकते हैं, पर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा धनिया लगा लूंगी, इसे वो भी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चों को तो पता ही है आपको पसंद नहीं है। तो जिस तरफ मैंने धनिया और पानी लगाया था ना, फिर आप ऑनियन सीड जो काला जीरा भी बोलते हैं लगाएंगे, तो उस साइड को नीचे तो एकदम फ्लैट है, तो अभी बबल्स जैसा उठेगा। ये बबल्स जैसा उठ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसको ऐसे आने देंगे अच्छे से, इसे छिंका ले लीजिए तब आसानी होता है। तो ये साइड आप लोग देख सकते हैं और इसका साइज भी आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बटर लगा लूँगी, तब तक मैं दूसरा वाला बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आयन को चाहिए होगा तो मैं और एक बना लूँगी, पर एक ही लूँगी क्योंकि लोग नहीं खाते हैं, इतना सब खाते हैं, नायन के लिए एक ही बनाऊंगी, नायन को एक ही खाएगी, सिर्फ आयन को चाहिए होगा तो दे देगी। राउंड ही आ जाता है, राउंड कोई नहीं।
तो उसी में करने से अच्छे से एकदम हल्के हाथ में अच्छे से पक जाएंगे। फूल में रखेंगे तो अच्छे से आधा बचा रहेगा, तो इसलिए इसको प्रोसेसिंग में ही रखें। यहाँ पर मैंने इन दोनों को दे दिया है खाने के लिए, साथ में एक ककड़ी भी दे दिया है, दोनों को बहुत पसंद है। तो अभी ये खाएंगे, बिस्मिल्लाह करो दोनों। तो दोनों ने नहा लिया अभी। तो कैसा है आयान? अच्छा है। कितना अच्छा है? बहुत टेस्टी है, एकदम होटल जैसा है। इनाया कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप दोनों एंजॉय करो, तब तक मैं अपना थोड़ा सा बटन है वो धो लेती हूँ, ये दोनों को खाने देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो आज इन्होंने किया है शोल्डर का वर्कआउट। तो आज का ब्लॉग्स यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग्स के साथ। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।